हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं अ लेटर टू गॉड। इंग्लिश की पूरी सीरीज चलेगी एमसीक्यू की 2021 सिलेबस में, जो एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम होंगे नवंबर दिसंबर में, उसकी पूरी प्लेलिस्ट चलाएंगे हम, ठीक है। इसके लिए आज पहला चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इंग्लिश की सीरीज़ कंप्लीट करना शुरू करूँगा क्लास टेंथ की, ठीक है। तो ये आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, अ लेटर टू गॉड। MCQ पढ़ेंगे 2021 में, जो MCQ बेस्ड पूरा MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर आएगा, जो वो हम पढ़ेंगे। उसके सारे क्वेश्चंस आपको ये लर्न रखने हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको लर्न नहीं रहता है, और अपने नोट्स भी बना सकते हैं। बाकी मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप लिख के इसको अपनी रजिस्टर बना लीजिए MCQ का, क्योंकि उसमें आप कभी भी देख सकते हैं। वीडियो एट अ टाइम चलाना मुश्किल हो जाता है, और जो मोबाइल से पढ़ते हैं उनको इतने अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा। तो आप, मैं प्रेफर करूँगा कि आप इसको नोट कीजिए और आपको अच्छे से लर्न रह पाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर वाज लैंकोज हाउस सिचुएटेड। तो वो टॉप ऑफ हिल पे था, आंसर भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लैंको। इसका आंसर है ए, अ शावर। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर डिड लैंको एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम। इसका मतलब है लैंको क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि बारिश कहाँ से आएगी। तो इसका आंसर है बी, नॉर्थ ईस्ट से लैंको चाह रहा था, सोच रहा था कि बारिश आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड लैंको कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद। लैंको लार्ज रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर करता है, किससे तुलना करता है। तो मैं आपको हिंदी नहीं बताऊंगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। इतनी इंग्लिश आपको आती होगी मुझे उम्मीद है। तो मैं फटाफट से आपको MCQ समझा देता हूँ, आप नोट कीजिएगा और उनको लर्न कीजिएगा कॉमन सेंस के साथ। बिल्कुल बढ़िया पेपर जाने वाला है अब की बार, क्योंकि बिल्कुल आसान पेपर आएगा इस ढंग से लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल ही आसान MCQs हैं इन चैप्टर्स के। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा अगर MCQ है तो। तो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड लैंको कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद। इसका आंसर है डी, न्यू कॉइन्स। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लैंकोज फील्ड। इसका आंसर हो जाएगा ए, कॉर्न। सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डिस्ट्रॉयड लैंकोज फील्ड। इसका आंसर हो जाएगा हेल स्ट्रॉम, यानी ओलावृष्टि ने उसके फील्ड को खराब कर दिया था। सेवेंथ क्वेश्चन है, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन। इसका आंसर है ए, सॉल्ट, लाइक सॉल्ट। एट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, लैंको कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विद। इसका आंसर सी है, प्लेग ऑफ लोकस्ट्स। नाइन्थ पे आ जाते हैं, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लैंकोज फैमिली। नाइन्थ का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा सी, हेल्प फ्रॉम गॉड, वो गॉड से हेल्प चाहते थे। टेंथ क्वेश्चन है, हाउ डिड लैंको डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट। इसका आंसर है बी, थ्रू अ लेटर। लैंको ने कैसे कॉन्टैक्ट किया, थ्रू अ लेटर। अब आ जाते हैं 11th क्वेश्चन पे, हाउ मच मनी डिड लैंको आस्क फॉर। ही वॉन्टेड 100 pesos फ्रॉम गॉड, ओके। 12th क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर। इसका आंसर हो जाएगा ए, लाफ्ड होल हार्टेडली, मतलब वो जोर जोर से हंसे। 13th क्वेश्चन है, द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एमिएबल मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल। 13 का आंसर सी है, फ्रेंडली। 14th क्वेश्चन पे, On seeing the letter, the postmaster was moved by Lanko's, इसका आंसर हो जाएगा unfavoring fate. 15th क्वेश्चन है, Why did the postmaster decide to reply the Lanko's letter? To preserve Lanko's faith in God. ये इसका सही आंसर हो जाएगा C. अब आते हैं 16th क्वेश्चन पे, What else did the reply demanded apart from goodwill, ink and paper? Money. करेक्ट आंसर है। हाउ मच मनी वॉज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज। ही वॉज एबल टू अरेंज 17 pesos, दिस इज द करेक्ट आंसर। 18th क्वेश्चन है,
What did the postmaster feel on experiencing Lenko receive the letter? इसका आंसर है ए contented. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. 19th क्वेश्चन है, Why was Lenko not surprised on seeing the money in the envelope? लेंको सरप्राइज क्यों नहीं हुआ एनवेलप में रुपए देख के? इसका आंसर है बिकॉज ही हैड अनफेवरिंग फेथ इन गॉड. क्वेश्चन 20 है, हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड द मनी? एंग्री, ही वाज एंग्री व्हाइल काउंटिंग द मनी. नाउ 21 क्वेश्चन इज, व्हाट डिड लेंको थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज? वो उनके बारे में क्या सोचता है? वो बंच ऑफ क्रूक्स सोचता है. उनको आपने कहानी पढ़ी होगी तो आपको याद भी होगा, ठगों का टोला जो उसके पैसे निकाल लेते हैं, उसको ऐसा लगता है, जबकि पैसे उन्हीं ने इकट्ठे करके दिए होते हैं. नाउ 22nd क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंको आस्क फॉर इन हिज सेकंड लेटर? सो रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट सेंड इट बाय मेल. उसने गोड से ये कहा सेकंड लेटर में कि वो उसको लेटर से रुपए ना भेजे रिमेनिंग, बल्कि और कोई मेथड से रुपए भेजे. क्वेश्चन 23 है, व्हाट इज़ द आयरनी इन द दिस लेसन? इसका आंसर सी है, लेंको ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हु इन फैक्ट हेल्प्ड हिम. ये इसका करेक्ट आंसर है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप. बड़े थोड़े दिनों में हमको इतने सारे एमसीक्यू लर्न करने हैं. एमसीक्यू इतने आसान भी नहीं होते हैं जितना हम सोचते हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ. आप भी मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेट कीजिए और जल्दी जल्दी एमसीक्यूज़ को लर्न करते जाइए. सारे सब्जेक्ट्स आपको सिर्फ आपके पास हार्डली 3 मंथ्स का टाइम है, तो थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए भी. और 2-3 बार उसको रिपीट करिएगा हर एक चैप्टर को, जिससे कि आपको एमसीक्यू अच्छे से लर्न हो जाए. और जो फाइनल पेपर हो सेकंड टर्म वाले, उसमें भी आपको काफ़ी काम आएंगे पेपर एमसीक्यूज, जिससे कि आपको एमसीक्यूज से क्या होता है ना, आप लर्न करने में थोड़ा आपको हेल्प मिलती है. इसके कारण आप थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए और उसको काफ़ी टाइम कीजिए, 3 से 4 बार उनको लर्न कीजिए, नोट कीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए. तो 24th क्वेश्चन है, What type of conflict does the chapter highlight? इसका आंसर है both 1 and 2. That means conflict between nature and humans and conflict among humans. ये दोनों इसके करेक्ट आंसर्स हैं, ठीक है, यानी मेन आंसर both 1 and 2. This is the correct answer. Now last question है, जिसमें आपका MCQs से पूरा chapter complete हो गया है, सिर्फ 25 MCQs में. So that is, Who is the author of the lesson A Letter to God? इसका आंसर है G.L. Fuentes. ये इनके ऑथर है इस लेटर के, आपको याद रखना है. जो ऑथर है उनका नाम आपको डेफिनेटली याद रखना पड़ेगा हर एक चैप्टर में. कोई भी चैप्टर से उठा के पूछ लेता है कि इसके ऑथर क्या हैं, और ऐसे होते हमारे लेटर टू गॉड के MCQs ख़त्म. अब मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में. अगर आपको MCQs वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसे, और जो भी आपके साथी हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए. अगर आपको पसंद आई है लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियो.